नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति त्यागी। रुक करते हैं खबर एक्सप्रेस का। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान पर एआईडीयूएफ के मुखिया बदरुद्दीन अजमल की ओर से जवाब दिया गया है। अजमल का कहना है कि उनकी पार्टी लोकतंत्र तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन सेना प्रमुख को इसकी चिंता क्यों नहीं रही। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से बीजेपी की भी यहां पर बढ़ रही है। जनरल रावत ने यह भी कहा है कि विवाद शुरू हो गया है, सेना को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ी है कि जनरल रावत के बयान का राजनीतिक और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वायुसेना के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि चतुर्वेदी लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने मिग 21 बाइसन को अकेले ही उड़ाया है, इस तरह की ये पहली उड़ान थी। राजनीतिक दल के ऐलान के साथ प्रसिद्ध अभिनेता कमल हासन ने बुधवार को अपनी सियासी पारी शुरू कर दी है। हासन ने पार्टी का नाम मक्कल नीति मयम रखा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के झंडे का अनावरण भी किया। इस मौके पर अभिनेता कमल हासन ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श बताते हुए कहा है कि अपनी पार्टी को लोगों की पार्टी करार दी है। वहीं मदुरई में स्पेशल गेस्ट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी मक्कल निधि मयम का ऐलान किया है। इस मौके पर केजरीवाल ने मंच से कहा है कि कमल हासन रियल लाइफ के हीरो हैं। वहीं हरियाणा से दिल्ली को सप्लाई होने वाले पानी के में अमोनिया की मात्रा को लेकर आज एनजीटी में सुनवाई हुई है। मामले में एनजीटी ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि दोनों सरकार पानी में अमोनिया के बढ़ते हुई मात्रा की तलाश करें। साथ ही एनजीटी ने सीपीसीबी को पानी में अमोनिया के बढ़ते हुए स्तर को एग्जामिन करने के लिए कहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स पानी में बढ़ते हुए अमोनिया के स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। वहीं एनजीटी में हरियाणा सरकार ने कहा है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। हालांकि मीटिंग में दिल्ली और हरियाणा के प्रदूषण पर भी चर्चा हुई है। किसान यूनियन के आह्वान पर 23 फरवरी को देश भर के हजारों किसान दिल्ली घेराव करने वाले हैं। प्रदेश में भी किसान आंदोलन की सुगबुगाहट है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। वहीं डीजीपी बीएस संधू ने कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एडीजीपी अंबाला रेंज आरसी मिश्रा, आईजी करनाल रेंज सुभाष यादव समेत कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, पानीपत और कैथल के एसपी भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा है कि शिक्षा देना सबसे बड़ी सेवा होती है। उन्होंने ये बात सोहना के आरके मंगलम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान कही। राज्यपाल इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 11% विद्यार्थी कॉलेज स्तर की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसका अनुपात दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के चांसलर ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट से लोगों को अवगत कराया और कहा है कि यूनिवर्सिटी को ऊपर भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की सूची के दूसरे नंबर पर है। पंचकुला में हुए मल्टीपल प्लॉट अलॉटमेंट स्कैम मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। करोड़ों रुपए की कीमत के प्लॉट्स को गैर कानूनी तरीके से खरीदने के आरोप में 59 हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन अब इस स्कैम में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि इस पूरे मामले में वो लोग भी शामिल थे जो सरकार के लिए एचएसवीपी की पॉलिसी बनाने में अहम रोल निभाते थे। वहीं में हरियाणा से राज्यसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की मृतक मां रिटायर्ड आईएएस जीजा की भी मामले में दर्ज है। हरियाणा के पूर्व एमएलएस, आईएएस, आईपीएस और टाउन प्लानिंग के अधिकारियों का नाम भी इसमें सामने आया। इसके अलावा हरियाणा के कई क्रिमिलेयर में आने वाले लोग भी स्कैम में शामिल हैं, जिन्होंने एचएसवीपी में रिजर्व कैटेगरी में प्लॉट्स को लिया था। साइबर सिटी गुरुग्राम के डीसी ऑफिस में करोड़ रुपए के पीएफ घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल एक ठेकेदार साल 2011 के जिला प्रशासन की नाक के नीचे 200 कंप्यूटर ऑपरेटर के पीएफ की मलाई खा रहा था, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगी। ये मामला भी उस वक्त का है जब पीएफ
ऑफिस के डिप्टी कमिश्नर को कॉन्ट्रैक्टर पर रखे गए कंप्यूटर ऑपरेटर के पीएफ जमा न होने का नोटिस भेजा गया था। 1 करोड़ पीएफ घोटाले में जिला प्रशासन की तरफ से ओमवी नाम के ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा लिया गया है, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हरियाणा के रतिया में तिल्लेदार पंजाबी जूती इतनी प्रसिद्ध है कि देश विदेश में पंजाबी जूती की धाक देखने को मिल रही है। यहां तक कि इन जूतियों को पार्टियों के बड़े बड़े नेता और राष्ट्रपति तक पहनकर आजमा चुके हैं और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार भी जूतियां पहनना पसंद करते हैं। वहीं बताया जाता है कि ये जूती स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। पंजाब जूती बीमारियों का इलाज ही नहीं करती बल्कि पंजाबी गायकों के गीतों की शान भी बनी हुई है। इस पंजाबी जूती पर कई गाने बने हैं। गुड़गांव में कैथ लैब खोली जा रही है। इस लैब का मुख्य उद्देश्य लोगों को फायदा पहुंचाना है। अब दिल के मरीजों को एनजीओ प्लास्टिक के लिए 3 से 4 लाख रुपए खर्च नहीं करने होंगे। शहर के सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल के कैथ लैब में ये बनाई जा रही है। सोहना जेल लगातार चर्चाओं में आ रहा है। हर बार जांच के दौरान सोहना जेल से कई मोबाइल, मिसकार्ड और चार्जर समेत कई अवैध चीजें बरामद की जाती हैं, लेकिन जेल की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए जेल में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रदेश की जेलों में चल रहे सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की गई, जिसकी खासियत यह है कि नेट कनेक्टिविटी नहीं होने पर भी कोई काम नहीं रुकता। वहीं सार की लघु सचिवालय में किसानों का 39वें दिन भी धरना लगातार जारी रहा है। यह धरना प्रदर्शन किसान अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें बरवाला माइनर से सप्ताह के 2 बार पानी दिया जाना चाहिए, बरसात के दिनों लगातार पानी मिलना चाहिए। वहीं किसान के नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम 21 फरवरी के बाद मंत्री और विधायकों के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे और न ही प्रशासन द्वारा आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि 5 मार्च को जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। पलवल के लघु सचिवालय में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते जिले के ऑपरेटरों ने कार्य के दौरान काली पट्टी बांधकर रोष प्रदर्शन किया है। साथ ही ऑपरेटर्स ने यह भी कहा है कि अपनी मांगों को लेकर 24 फरवरी को ताऊ देवलीलाल पार्क में एक विरोध सभा आयोजन करेंगे। वहीं पलवल के हसनपुर में सरकारी अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर करने में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक सालों में जर्जर पड़ी बिल्डिंग को मरम्मत कराने का ठेका दिया गया था, लेकिन जब वहां के प्रधान को इस बात की सूचना मिली तो अस्पताल की मरम्मत में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, तो उन्होंने फैसला फौरन जाकर इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी और मरम्मत के काम शुरू करवा दिया। उधर अस्पताल प्रशासन ने भी मान लिया है कि मरम्मत के काम में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था, हालांकि इस बात को अस्पताल की मरम्मत कर रहे ठेकेदार ने मानने से साफ इनकार कर दिया। नगर परिषद जींद में उप प्रधान सुभाष जांगरा पर अज्ञात हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जांगरा पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हमले में उप प्रधान सुभाष जांगरा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल जींद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें जीपीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। हमलावर कौन है और उन्होंने उनको क्यों गोली मारी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हमले में उप प्रधान को 2 गोलियां लगी हैं और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। फतेहाबाद के टोहाना इलाके की एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर पर उससे आपत्तिकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने, शादी का झांसा देकर 3 साल तक उससे रेप करने, गर्भवती करने और बाद में उसके साथ गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है। आरोपों के अनुसार जब पार्टनर ने पीड़िता से इसके बाद पैसों की डिमांड कर ब्लैकमेलिंग करके शादी से मना कर दिया तो मामला थाने पहुंच गया। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और शिकायत पर फतेहाबाद पुलिस थाना पुलिस ने आरोप शख्स के खिलाफ आईपीसी के तहत धाराएं लगाई हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं कुछ और खबरों का।
प्रदेश में हॉरर किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोनीपत, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। सोनीपत में जहां घर में घुसकर गोली मार दी गई, तो महेंद्रगढ़ में 11वीं की छात्र को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं बहादुरगढ़ में कलियों के पिता अपनी ही बेटी के चरित्र पर शक करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर में 19 फरवरी को हुई व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम एक मंदिर के पुजारी और उसके साथी ने मिलकर दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पुजारी ने कहा है कि एक पापी का वध करके उन महिलाओं को इंसाफ दिलवाया है जिसे वो व्यापारी पिछले लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। साथ ही व्यापारी को मुक्ति दिलवाने के लिए पुजारी ने शव यात्रा में भी शामिल हुआ। ग्लोबल बाजारों से मिले कमजोर संकेतों से आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। कारोबार की शुरुआत में आज सेंसेक्स 135.47 अंक यानी 0.40% गिरकर 33,709.39 पर और निफ्टी 43.10 अंक यानी 0.41% गिरकर 10,354.35 पर खुला। पीएनबी में बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने के बाद बैंकों ने आनंद फानंद में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करने शुरू कर दिए हैं। अकेले पीएनबी ने 3 दिनों के भीतर अपने 18,000 से ज्यादा कर्मियों का तबादला शुरू कर दिया है। वहीं इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, आईबीएस, आईडीबीआई और इलाहाबाद बैंक ने या तो तबादले शुरू कर दिए हैं या फिर इनकी तैयारी में है। एक ही शाखा में 3 सालों से जमे कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। कमजोर वैश्विक संकेत और ज्वेलर्स की ओर से कमजोर मांग के चलते सोना 100 रुपए की कमजोरी के साथ 31,700 रुपए प्रति ग्राम 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। इसी तरह चांदी 535 रुपए की कमजोरी के साथ 39,440 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। दर्शकों से खचाखच भरे जींद के एकलव्य स्टेडियम में 1 करोड़ रुपए की नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता में सर्विसेज की टीम चैंपियन बनी। सर्विसेज और रेलवे के बीच कांटे के फाइनल मुकाबले में सर्विसेज ने 37-36 के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं सर्विसेज को 1 करोड़, रेलवे को 50 लाख तीसरे नंबर पर रही हरियाणा की टीम को 25 लाख और यूपी की टीम को 11 लाख रुपए के इनाम दिए गए। केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह, प्रदेश के खेल मंत्री अनिल विज, परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार, खेल निदेशक जगदीप सिंह के विजेता टीमों को इनाम दिए। वहीं जींद पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि खेलों में हरियाणा प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। देश को अलग अलग खेलों के अनेक स्टार खिलाड़ी दिए हैं। आने वाले ओलंपिक खेलों में इस प्रदेश के कई खिलाड़ी मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने यह भी कहा है कि कबड्डी कुश्ती हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का खेल है। इस प्रदेश के लोग इन खेलों से दिल से जीत चुके हैं। सरकार की इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण स्टेडियम में आयोजित हो रही है राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है।